संकट मोचन नाम है, संकट हरनो आए, आप कुटुंब परिवार की निस्दिन करो सहाय, पितृ संग बजरंग की विनती करूं हर बार, डूबे नर मझधार में बने आप पतवार। जाड़िया जल्दी करना, ये तेरे बाप का माल नहीं, चोरी का माल। चल चलो जल्दी करो। ठीक है चलो चलो बैठो, निकल लो पत्नी गली से, पलटी मारो यहां से, जल्दी बैठो चलो। चल कौन है तू? जानवरों का दोस्त और जंगल का रक्षक, नाम है मेरा जिम्बो। सलीम सिख का नाम है मेरा। जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से वापस चला जा, गलत काम करने वालों का मैं हाथ काट देता हूं। तू तो सिर्फ हाथ काटता है, मैं तो सीधा गर्दन काट देता हूं। ए, जाओ इसकी गर्दन काटो, जाओ। चूप बहुत खेल लिया तूने, चल निकल निकल। अरे निकलना यार। दोबारा इधर नजर नहीं आना, नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा।
ये हथौड़ा। तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरा नाम है सलीम सिक्का। तेरी मौत पर मैं सिक्का लगाऊंगा। देख लिया डिकस्टर? ओह या। इन सारे जंगलों पर अपना राज चलता है। फैंटास्टिक। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके सांपों और जानवरों की खाल के ऑर्डर हम पूरी कर देंगे। ओ लो, सलीम आ गया। डिकस्टर, इनका नाम है सलीम सिक्का। दुनिया का हर सिक्का खोटा हो सकता है, लेकिन ये सलीम सिक्का कभी खोटा नहीं हो सकता। अरे वाह। और सलीम, ये डिकस्टर साहब, इंटरनेशनल मार्केट में इनसे बड़ा तस्कर कोई नहीं। ये पूरे वर्ल्ड में सांप का जहर सप्लाई करते। अपने यहां से सांप का जहर और जानवरों की खाल भी ले जाएंगे। काबरा साहब, एक मिनट। काबरा साहब प्लीज एक मिनट आइए ना। क्या बात है काबरा साहब? ये सिंह का आतंक पूरे जंगल में फैला हुआ है। ये हमारे सबके लिए बहुत बड़ा दुश्मन है। हमको माल मिलना मुश्किल है। मैं तो कहता हूँ आप जो ये सांपों के और जानवर के खाल का एडवांस ले रहे हैं वो मत लीजिए। मैं कुछ नहीं जानता सलीम, काबरा को कोबरा चाहिए। पहली बार एक इंटरनेशनल आदमी मेरे पास आया और तुम ये काम तुम्हारा है, जो कोबरा चाहिए। Any problem, Mr. काबरा? नहीं नहीं, no problem, no problem, सर। ये रहा तुम्हारा एडवांस, बाकी माल देने के बाद। थैंक यू मिस्टर डिकास्टा। See you nice soon. To see you. Bye-bye. Bye-bye. अरे, एक रुपए का सिक्का? अरे वाह। अरे एक और भी है। अरे लगता है किसी की जेब फट गई। अरे अरे अरे, तीसरा भी मिला। एक सिक्का और भी है। अच्छा हाँ। तो फिर तू ही दे देना यार। अच्छा, अच्छा ले लो ले लो ले लो। अरे वाह, और सिक्का चाहिए? हाँ। लो। कौन हो तुम? मैं पावरिया। पावरिया कबीले का आदमी। कौन सा कबीला? पासी में हमारा कबीला है बाबूजी। अच्छा हाँ। क्या करते हो? मर्द वही करते हैं बाबूजी जो मैंने आपके साथ किया है। और औरतें चक्कू छुरियां तेज करती हैं। बस ऐसे ही कट जाती है जिंदगी। सुबह खाया तो दिन में नहीं, दिन में खाया तो रात में नहीं। ऐसी जिंदगी है बाबूजी, ना खाने पीने का ठिकाना, ना काम धंधे का। इसीलिए अच्छा। तो ये सब करते हैं हम बाबूजी। अच्छा, एक कमाल का रास्ता दिखाऊं जहां पर हजारों लाखों कमाओगे। हजारों लाखों? हाँ। क्या मजाक कर रहे हो बाबूजी? अबे सलीम सिक्का मजाक नहीं कर रहा है, सच्ची कह रहा हूँ, मंजूर है? चल। वही तो मैं कह रहा था बाबूजी कि आप आके मेरे सरदार से बात करो। सरदार? सरदार 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 सरदार, बड़े काम की खबर लाया हूँ। ये बाबूजी कहते हैं कि हम लोग हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। अच्छा, तो ये बताओ काम क्या है? अरे काम क्या करना पड़ेगा, पास वाले जंगल में जाकर जानवर और सांप को पकड़ लाना है, बस। बस इतनी सी बात? आप वहां से सांप लेके आओ, मुझे दे दो, मैं आपको कड़क कड़क नोट दे दूंगा। बोलो मंजूर है? ए विश्वा, यहाँ आओ यहाँ आओ। ये बाबूजी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हमारी तकदीर बदल सकती है, हमें ढेर सा पैसा मिलेगा, बस हमें सिर्फ जंगल से कोबरा और कुछ जानवर पकड़ने। अरे तो पकड़ा ही देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन साहब जी, तनिक नोट तो दिखाइए। अरे बच्चे, तुमको मजाक लग रहा है? ये देखो। हेलो काबरा साहब। हाँ बोलो सलीम, क्या खबर है? काबरा साहब, मैंने बंजारों के कबीलों को शिकार के लिए तैयार कर लिया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। सलीम एक बात ध्यान में रखना, हमें डिकास्टा का ऑर्डर पूरा करना है। काबरा साहब, आप सलीम सिक्का पे भरोसा रखिए, आपका ये सिक्का कभी खोटा नहीं निकलेगा। अरे यार सीट देता रगड़ के कहीं नहीं मुंह में डाल। अरे रोको रोको रोको। अरे इसको छा सके भाई, रुक जा।
मेरी जान, क्या बात है, हाय हाय क्या गाड़ी चलाती है मेरी जान, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल। रुक जा बेटे, अभी बताती हूँ। तेरा मुंह काला और गाल लाल नहीं किया ना तो मेरा नाम भी बॉबी नहीं। क्यों बे, ज्यादा गर्मी चढ़ गई है क्या? लड़कियों के रोड पे नाटक करती है, शर्म नहीं आती क्या? ओए लड़की होगी तेरी बहन, मैं तो बॉबी हूँ बॉबी। क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं साहब। मैडम आपका लाइसेंस? अरे एक ही लाइसेंस है यार, वो भी तुम्हें दे दूं तो मेरे पास क्या रहेगा? कोर्ट से ले लेना। कोर्ट जाएगी मेरी जूती। मैंने क्या किया? हाँ क्या किया है? आपने गाड़ी नहीं रोकी। आपको ये नजर नहीं आया कि मैंने गाड़ी क्यों नहीं रोकी? बस नजर आया कोई बकरा तो पकड़ के हलाल कर दिया। मैडम प्लीज। ए हवलदार, चुपचाप गाड़ी का नंबर नोट कर और जा। डोंट वेस्ट माई टाइम, ओके? और दोबारा अगर गलती की ना तुम लोगों ने तो याद रखना, गाड़ी से उतार कर नंगे परेड नहीं करवा दिया तो मेरा नाम बॉबी नहीं। अरे चलो चलो। This is Buffy Power. Raw Power. You are now entering into the danger zone of high voltage Bhangra. You have been warned.
डैडी, क्या बात है, अभी तक सोए नहीं? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार कर रहे थे? क्या बात है, आप मेरा इंतजार कर रहे थे? बेटे आज मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? सारी दुनिया जानती है बेटी, तू बेटी होने के बावजूद भी मैंने तुझे बेटे की तरह पाला, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा कोई अधूरा काम करे। डैडी मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ, आओ। देख बेटी, तू कोई अहिरे गहरे की बेटी नहीं, काबरा की बेटी। जो भी काम करो पूरा किया करो, नहीं मैं आधा काम करता नहीं आधा काम करने वाले को बर्दाश्त कर। पुलिस स्टेशन से फोन आया था, तूने सिग्नल तोड़ा। ऐसी छोटी मोटी शिकायतें मुझे नहीं मिलनी चाहिए। तू सिग्नल की जगह किसी का हाथ पैर तोड़ के आती तो मैं ज्यादा खुश होता। ओह आई एम सॉरी डैडी, अब से आपको किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ओह आई लव यू डैडी। बाबूजी आ गए तुम लोग, सांप पकड़ के लाया है ना? हाँ लेके आया, चाहो तो देख लो। कौन सा? नाम तो मालूम नहीं लेकिन है बहुत जहरीला। जहरीला? अबे मुझसे जहरीला कोई नहीं हो सकता हीरा, सांप का काटा बच सकता है लेकिन मेरा काटा कभी नहीं बच सकता। अच्छा बाबूजी। तू क्या लाया रे? ये ह्यूमन सांप लाया बाबूजी। हाँ ठीक है ठीक है। और पहलवान तू क्या लाया? यार ये सांप बाप का चक्कर छोड़ दे, शेर का शिकार कर, शेर का मजा आ जाएगा। अरे सलीम सेठ आप हुकुम तो करो, ये विश्वास सारा जंगल यहाँ पर लाके रख देगा। बहुत बोलता है तू, बहुत बोलता है, इतना आसान नहीं है। तू क्या समझता है मुझे शिकार करना नहीं आता, मुझे बंदूक चलाना नहीं आता? बोलता है साला जंगल लेके आऊंगा। हाँ वही तो मैं कह रहा था। हाँ अरे बावरिया मैं हमेशा सही कहता हूँ। ठीक है तारे साहब यहीं रख दो। हाँ रखो भाई रखो। शुक्रिया बाबूजी। निकाल। धन्यवाद बाबूजी। शुक्रिया शुक्रिया बाबूजी। शुक्रिया। बस इताई इताई। अबे भूतनी के पूरा का पूरा बंडल दे दो, क्या महल बनाएगा क्या? अबे तुम लोग छुए छछुंदर लेके आते हो और सपना देखते हो पूरे बंडल का। जिस दिन तुम लोगों ने मुझे जहरीला कोबरा लाके दिया तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे, तुम लोगों को भी मालामाल कर दूंगा। फिकर ना करो बाबूजी, हम भी आपको जहरीले कोबरे लाके देंगे, जरूर लाके देंगे। लड़की क्या इस टोकरे में? कुछ भी है तुमसे मतलब? सीधे तरीके से पूछ रहा हूँ, बता वरना। वरना क्या करेगा? देख क्या है ये, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, बंजारन हूँ बंजारन। हाँ तुझे पता है एक बंजारन पांच मर्दों पर भी भारी पड़ती है। देख मैं कहती हूँ छोड़ दे मेरा हाथ, छुड़ा लेना तू ही। तू तो कहती थी एक बंजारन पांच मर्दों पे भारी पड़ती है, मैं तो अकेला हूँ, मेरा पकड़ा हाथ छुड़ाना इतना आसान नहीं छोकरी, ये तो तुझे पता ही चल गया। अब ये बता कि सांप क्यों पकड़ रही थी, तो तेरा हाथ छोड़ दूंगा। नहीं बताऊंगी। आज तो तेरी जिंदगी ऊपर वाले ने बचा ली, दोबारा इस जंगल में किसी जंगली जानवर पर हाथ डालने की कोशिश की तो जिम्बो तुम्हें क्या, किसी को भी माफ नहीं करेगा। हाँ
वो कहाँ रह गए थे अब तक? गुरुदेव, मुझे लगता है इस जंगल में फिर से कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है। आज एक लड़की को देखा, वो सांप पकड़ रही थी। मुझे लगता है तस्करों ने अब बंजारों को मोहरा बनाकर काम करना शुरू कर दिया है। सिंबो, हमारी जिंदगी का जो मकसद है वो है जंगल की रक्षा, चाहे अपनी जान भी देनी पड़े, पर हमारी ये धरोहर, हमारी ये संपत्ति बची रहे। गुरुदेव, सिंबो आपकी आज्ञा का पालन करेगा। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। तुम ये बताओ, कोबरा मिला या नहीं? तकदीर जब खराब होता है सरदार, तो घर में रखा सोना भी मिट्टी बन जाता है, और जब तकदीर अच्छा हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। अरे भाई, ये क्या बात हुई? पकड़ में आ गया था कोबरा, वो भी कस्तूरी की टोकरी में, पूरा हो सिंबो का, जिसने निगोड़ी का हाथ पकड़ लिया। सिंबो? कौन है ये सिंबो? ये ले, आ गई, इसी से पूछ ले। कौन है वो सिंबो? पता नहीं कौन था वो, पर था बड़ा जवामर्द। जैसे ही मैंने सांप पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। लाख कोशिश की उसकी पकड़ से अपना हाथ छुड़ा लूं, लेकिन नहीं छुड़ा पाई। इतना चौड़ा सीना था उसका, ये लंबा कद का नौजवान, ये मोटी मोटी बाहें, क्या लगता था वो। ए कस्तूरी, तू उस जिम्बो की तारीफ कर रही है जिसकी वजह से हम लोगों का नुकसान हुआ है? पता है, अगर आज हमारे पास कोबरा होता तो हमारे पास कितने पैसे होते। ए विश्वा, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? ये तेरी मंगेतर होते हुए तेरे सामने किसी और मर्द की तारीफ कर रही है। ए तू चुप कर, किसने कहा तुझे दलाली करने के लिए? दलाली मैं किसी की नहीं करता, सच कहता हूँ। भाई, नुकसान हुआ है कबीले का, क्यों सरदार? नुकसान हुआ है तो जा, नुकसान तू पूरा कर दे। जा जंगल से दो चार कोबरा पकड़ ला, सलीम से तुझे और विश्वास दोनों को मालामाल कर देगा। तू कोबरा की बात करती है कस्तूरी? देखना, अगर शेर का शिकार करने लाया तो मेरा नाम भी विश्वा नहीं। ए विश्वा, शेर का शिकार छोड़, सिंबो का शिकार कर। ए मिठू, ये बता, तू सिंबो को जानता है ना? अरे वाह, तो तेरी भी दोस्ती है उससे। मेरी भी दोस्ती करा देना। बोल, कराएगा ना? हाँ। अच्छा सुन, एक खास बात है, वैसे मैं तुझसे ही कह रही हूँ। उसने इस बंजारन को पहली ही नजर में घायल कर दिया, मैं उसे मोहब्बत करने लगी हूँ। ये क्या है कस्तूरी? ये सोमरस है जिम्बो। सोमरस? हाँ। ये किस लिए? ये हमारे कबीले का दस्तूर है, हर लड़की अपनी शादी की पहली रात को अपने हाथों से अपने पति को ये सोमरस पिलाती है। तो लाओ, मैं इसे पी लेता हूँ। तुम सिर्फ मेरी हो कस्तूरी, सिर्फ मेरी। जिम्बो, हमारा तुम्हारा रिश्ता तो जन्मों का है, और आज ये तन मन धन सब तुम पर निछावर कर देना चाहती हूँ। जिम्बो कस्तूरी, जिम्बो Thank you.
हे बुड्ढे, ये जंगल तेरे बाप का है क्या? मेरे बाप का है। जिम्बो, तुम जय बजरंगी बली। तो तू है जिम्बो। ऐसा मत करना गुरु, उस साले को तो कोई चक्कर चला के ही खत्म करना पड़ेगा। अरे क्या खड़ी खड़ी हंस रही है, ये पकड़ और कर सिकाई, ये होने वाला मर्द है तेरा। अरे चल हट, मैं ना करूंगी इससे शादी वादी। अरे खाली बोलने के लिए मर्द है? अरे मर्द वो है जिम्बो, मैंने तो पहले ही कहा था कि जा रहे हो तो जरा सोच समझ के जाना, लेकिन तुमने तो मेरी बात मानी नहीं। आप कभी मेरी भी बात मान लिया करो, समझे? उस सिंबो को तो मैं ठिकाने लगा कर ही रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। पहलवान आजा, पहलवान आजा, तेरी शक्ल से तो लगता है कि तू आज तगड़ा शिकार करके लाया है। अरे सलीम सेठ, शिकार तो मैं ऐसे करूं कि सारा जंगल साफ कर दूं, लेकिन वो कमीना सिंबो मेरे रास्ते का सबसे बड़ा काटा है, उसे तो ठिकाने लगाना पड़ेगा सलीम सेठ। तुम्हारी मुलाकात हुई उससे? मुलाकात? मुलाकात की बात कर रहे हो? अरे वही तो मैं कह रहा था कि उठा पटक हो गई, उठा पटक। अच्छा? हाँ, लेकिन उसमें बहुत ताकत है, वो साला बजरंग बली की तरह लगता है, अपने सांड को भी धोबी पछाड़ लगा दी उसने। कुछ करना पड़ेगा, अब सलीम सिंह का ऐसा चक्कर चलाएगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सिक्का? हाँ, आओ सलीम सेठ, क्या बात है भाई, तुम तो इधर का रास्ता ही भूल गए। ना, ये सलीम सिंह का कभी रास्ता भूलता नहीं, लोगों को रास्ता याद दिलाता है, और मैं तुम्हें भी रास्ता याद दिलाने आया हूं भंडारी। हुकुम करो सेठ, आखिर बात क्या है? देखो भंडारी, जब से तुम इस इलाके में इंचार्ज बनकर आए हो, तुम्हें कोई तकलीफ हुई? हुई? नहीं हुई ना? सरकार की पगार अलग और हराम की कमाई की तारीख फिक्स, फिर हमें तकलीफ क्यों? तकलीफ? हमारे रहते हुए आपको कैसे तकलीफ? जिम्बो, जिम्बो हमें तकलीफ दे रहा है। जिम्बो? कौन जिम्बो? ए भंडारी, फालतू की बकवास मत कर,
लगता है हराम की कमाई से तेरे दिमाग की चमड़ी मोटी हो गई है। जंगल में नौकरी करता है और मुझसे पूछता है कि जिम्बो कौन है। हाँ, मैं सच कहता हूँ सलीम सेठ, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि जिम्बो कौन है। तेरे जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर बहुत देखे हैं मैंने, तेरी पगार और हराम की कमाई दोनों बंद करवानी पड़ेगी। जंगल के आदिवासियों को खबर है कि जिम्बो कौन है और तुझे नहीं। उस हराम जादे ने मेरे नाक में दम करके रखा है, पता करो और ठिकाने लगाओ उसे, वरना तुम जानते हो सलीम सिख का नाम है मेरा। हमारा नाम लड़की नहीं है, कस्तूरी है बाबू। अरे कस्तूरी हो या छुरी, मुझे क्या क्या बात है? आज तेरी जुबान को क्या हो गया? उस दिन तो बड़ा बोल रही थी, मैं बंजारन हूं बंजारन। क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? बाबू तुम्हारी जान को खतरा है, बस यही बताने हम आए हैं। मेरी जान को? अरे मेरी जान को क्या खतरा हो सकता है? इस जंगल का हर एक पेड़, हर पत्ता, हर एक जानवर मेरा दोस्त है, तो फिर खतरा किससे? बाबू इंसान से। कबीले के लोगों ने सरकारी आदमी से मिलकर तुम्हें मारने का चक्कर चलाया है, बस इतनी सी बात बताने आई थी। कस्तूरी तू पागल हो गई है, जा और देख सांप मत पकड़ना, अगर काट लिया तो तुझे कौन बचाएगा, मैं तो चला। रुक जाओ जिम्बो, रुक जाओ जिम्बो, जिम्बो रुक जाओ।
आज तो बदला चुका दिया तूने। कैसा बदला? कैसा बदला? मेरी जान बचाकर। हाँ कस्तूरी, अगर तुम्हारी आवाज सुनकर मैं तुम्हारी तरफ नहीं मुड़ा होता तो आज उनकी गोली का निशाना मैं बनता। अब छोड़ो भी, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं, मगर तुम मेरी बात सुनकर हंसने लगे। लेकिन कस्तूरी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि सरकारी लोग मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तुम बहुत भोले हो जिम्बो, तुम्हें पता भी है जो काम तुम कर रहे हो उससे कितने लोगों की नींद और कमाई बंद हो गई है, इसीलिए तो वो तुम्हें अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। जिम्बो उन सबको मिटा देगा जो जंगल और जंगली जानवरों को मिटाना चाहते हैं। तो जिम्बो तुम्हारे हाथ में आया? हाँ सर। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, हाथ में आया और बच गया। सर आपको तो हमको थैंक यू बोलना चाहिए कि हम बचकर आ गए। Shut up, you idiot! अपनी अपनी वर्दियां निकालो। उतारो वर्दियां। और पैंट भी। क्यों सर? No arguments! जैसा कहता हूं वैसा करो। कैसे बच गया वो? मैं पूछता हूं कैसे बच गया वो? सर आप जाते तो आपसे भी बच जाता वो। मेरे हाथों से नहीं बच सकता वो। क्यों सर? आपका हाथ नहीं फांसी का फंदा है। शट अप गब्बर की औलादो। तुम तीन थे और वो एक एक आदमी को नहीं पकड़ सके। सर, सर जिम्बो आदमी नहीं है। सर आदमी नहीं है तो क्या है वो? पता नहीं सर, बातों से तो वो आदमी लगता है पर ताकत उसके अंदर हाथी की और फुर्तीला चीते की तरह है। अगर वो चीता है तो हमें शेर बनना ही होगा, लेकिन किसी भी तरह से उस जिम्बो को यहां पकड़ कर लाना ही होगा। मैंने तेरे को बोला था ना भंडारी, तेरे को बोला था ना कि मेरे को तकलीफ हुई तो तेरे को तकलीफ होगी, बोला था ना? काहे की तकलीफ? हमारे आदमियों ने उसे ढूंढ निकाला है, मौका लगता ही पकड़ा जाएगा तुम्हारा वो सिंबो। क्या पकड़ा जाएगा? अरे भंडारी, तू इस जंगल का इंचार्ज जरूर होगा, पर तेरे से पहले खबर सलीम तक पहुंचती है। तेरे आदमी तो जिम्बो के हाथ कुत्ते की तरह मार खा के आ गए, कुत्ते की तरह। तुम्हें कैसे पता? यही तो खासियत है सलीम सिक्के की, जीत भी मेरी जीत भी मेरी। हाँ सलीम सिक्का, क्या हुआ? कहाँ है कोबरा? अरे काबरा साहब, आप फिक्र मत करो ना, कोबरा आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा। सलीम, अगर डिकास्टा का ऑर्डर अपन पूरा नहीं किया तो उसका अपन पर से विश्वास उड़ जाएगा, और तुम अच्छी तरह जानते हो धंधा एक नंबर का हो या दो नंबर का, विश्वास पे चलता है। विश्वास खत्म, सब खत्म, और जब सब खत्म होता है तब काबरा कोबरा बन जाता है। ठीक है काबरा साहब। भंडारी सुना तुमने, चैन टूटने वाला है, और जहां चैन टूटा न जाने कितनी मौत होगी अंदाजा नहीं, और उस चैन की एक कड़ी तुम भी हो भंडारी। मैं समझा नहीं। अरे तुम्हारे भेजे में पर्दा पड़ गया, पर्दा तू क्या समझेगा? अबे तू मेरा आदमी, मैं काबरा का और काबरा। हाँ ठीक है यार, ये बोलना अंडरवर्ल्ड का चैनल। अरे मैं सलीम सिक्का हूँ, सलीम सिक्का कोई बीबीसी नहीं जो हमेशा समझा सुनाता फिरूं, समझे ना? एक टपका ना तो टपकने की लाइन लग जाएगी, इसलिए पहला काम है जिम्बो को टपकाने का, जिम्बो को। ठीक है, अब नहीं बच पाएगा वो जिम्बो। जब देखो घुमाता रहता है, क्या टपकाएगा साला। क्या हो गया तुम सब लोगों को? क्या हो गया? कितने दिन हो गए, एक कोबरा तक नहीं पकड़ सके तुम लोग? जनाब आपको तो पता ही है जिम्बो का खतरा जंगल के हर कोने कोने में है,
उसके होते हुए हम कुछ नहीं पकड़ सकते। सरदार आपको पता तो है वो हाथी की तरह बलवान चीता की तरह फुर्तीला है। जिम्बो 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 सरदार उसे एक बार यहाँ पर लेकर आ। अगर मन ने उस चीते की चिता न जलाई तो मेरा नाम भी सलीम सिख का नहीं। यही तो मुश्किल है कि उसे यहाँ लाएंगे कैसे। कस्तूरी सरदार कस्तूरी, वो जिम्बो को जहाँ बुलाएगी वो वहाँ दौड़ा दौड़ा चलाएगा। हाँ तो ठीक है, उसे कस्तूरी लाएगी। ये हुई ना बात। हनुमान के भक्त हो, ब्रह्मचारी हो, नारी पतन का मार्ग है,
किसने कहा है गुरुदेव कि नारी पतन का मार्ग है? नारी तो जग जननी है गुरुदेव, नारी के बिना तो सृष्टि की कल्पना ही नहीं हो सकती। सत्य वचन, लेकिन जिम्बो ये कलयुग है। इसने मेरी जान बचाई है गुरुदेव, कुछ लोग मेरे ऊपर हमला कर रहे थे तो ये सामने आ गई गुरुदेव, तो क्या मैं अपनी जान बचाने वाले को यूं ही मरता छोड़ा था गुरुदेव? ये कहां का इंसाफ होता गुरुदेव, कहां का इंसाफ होता? इसे लेप लगा। अभी ज्यादा बातें नहीं, आराम करो फिर बात करेंगे। विश्वा, ये रही तुम्हारी पतिता, अब ऐसे घूर घूर के क्या देख रही है? सारे कबीले की नाक कटवा दी तूने, धर्म कर्म रीति रिवाज सब गड्ढे में डाल दिया। अरे बेशर्म, तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आई कि तेरी मंगनी इसके साथ हो रही है और तू पराए मर्द के साथ भाग गई? कौन पराया? पराया वो नहीं, पराए तो तुम लोग हो। धोखा किया तुम लोगों ने मिलकर मेरे साथ। अगर आज ये उसे कुछ हो जाता ना तो सारी जिंदगी एक खून का पाप में अपने सर पे ढोती। ये तो अच्छा हुआ कि चाकू मुझे लगी। क्यों मारना चाहते हो तुम लोग उसे? क्या बिगाड़ा है उसने तुम लोगों का? ए, बंद करिए अपनी बकवास, बहुत बोलने लगी है तू। बड़े छोटे का लिहाज ही नहीं, जानती तू किससे बात कर रही है? सरदार, कह दो इस छोरी से कि मैं इसका खसम हूं, अगर मेरे इजाजत के बगैर इसने कबीले के बाहर कदम रखा ना तो इसकी टांगे तोड़ दूंगा। अभी जा, तू क्या टांग तोड़ेगा मेरी? तुझे खसम बनाने से तो अच्छा है सारी जिंदगी कुंवारी रहूं मैं। ए, तुम्हें इसके साथ शादी करनी होगी। मैं नहीं करूंगी इससे शादी। अरे कैसे नहीं करेगी, करना पड़ेगा। चल मेरे साथ, चल चल जा जा, विश्वा ले जा इसको, कर ले। अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, ना धंधा है ना आमदनी, ऊपर से ये जी का जंजाल। मैं बाबू से कह दूंगा कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। देखो तुम सब लोग मिलकर इस कलमी पर नजर रखो, कहीं भाग ना जाए। याद तेरी आएगी, पल पल तड़पाएगी।
हम तुझसे बिछड़ कर माही दुनिया में किधर जाएंगे तेरे बिन ओ परदेसी, जीते जी मर जाएंगे टोलना वे मर जाएंगे साहब।
आपको मजाक लग रहा है? कबीले के लोग जंगल छोड़कर भागने के चक्कर में थे, मैंने कितनी मुश्किल से उनको रोका। अगर आपको विश्वास नहीं आता तो भंडारी से पूछ लीजिए। अरे वो जिम्बो के बच्चे ने उसके आदमियों को पीटा। सरकारी आदमी को मारा और भंडारी छुप रहा? और क्या क्या कर सकते हैं काबरा साहब, मैंने खुद उसे खत्म करने की कोशिश की पर वो बच गया। आपको शायद यकीन ना आए पर जंगल के हर जानवर उसकी चाल पहचानते हैं, उसकी आवाज पहचानते हैं। अरे लोग तो यहां तक कहते हैं काबरा साहब कि अगर जिम्बो सिटी बजा दे तो शेर भी वहीं का वहीं रुक जाता है। डैडी दिस इज जंगल एडवेंचर, आई वांट टू सी दिस जिम्बो। सलीम तुम मुझे ये बताओ जिम्बो दिखता कैसा है? दिखता कैसा है बोले तो? अरे बाबा वो टार्जन जैसा दिखता है या बेताल जैसा? हाँ ऐसा कहो ना, टार्जन जैसा दिखता है। डैडी ये सब इनका वहम है, ना तो कोई टार्जन है और ना ही कोई बेताल, ये सब किताबी बातें हैं सिर्फ। नहीं बॉबी ये किताबी बातें नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसने 4-5 फॉरेस्ट ऑफिसर की ऐसी धुलाई की, ऐसी धुलाई की कि वो कुत्ते की तरह भाग गए। और वो अपना विश्वा है ना कबीले का 6 फीट का पहलवान, उसको मार मार कर ऐसा भगाया कि बात मत पूछो। सलीम मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, हमारे पास वक्त बहुत कम है और मैं पहले तुझे फोन पर कह चुका हूँ कि डिकॉस्टा से मैं एडवांस ले चुका हूँ। मेरी आदत तेरे को अच्छी तरह मालूम है, प्राण जाए पर वचन न जाए। डैडी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जिम्बो को। नहीं बेटी ये शहर का मामला होता तो मैं तुझे ही, लेकिन ये जंगल का मामला है। प्लीज डैडी एक बार मौका तो दीजिए मुझे, मैं जिम्बो के बच्चे को अगर यहाँ नहीं लेकर आई तो मेरा नाम भी बॉबी नहीं। ठीक है बेटी मैं फॉरेस्ट ऑफिसर से बात करता हूँ, उनका गेस्ट हाउस तुझे मिल जाएगा। ओ थैंक यू डैडी थैंक यू। वेट जिम्बो आई एम कमिंग। आइए सलीम साहब। कैसे हो भंडारे? वेलकम बेबी। थैंक यू। वेलकम। यह है बॉबी काबरा साहब की लाडली बेटी और यह है भंडारी यहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर। काबरा साहब का फोन आ गया था। अच्छा। उन्होंने आपके बारे में सब कुछ बता दिया। ओ। बॉबी वो सामने वाला कमरा आपका है, आप चाहें तो फ्रेश हो सकती हैं, बाद में बात करते हैं। तो जंगल घूमने का आपको शौक है? जंगल ही नहीं मैं हर उस जगह जाना चाहती हूँ जहाँ लोग जाने से डरते हैं या जहाँ खतरा हो। ओ, यानी खतरों से खेलने का भी शौक है? यस। तो जंगल घूमने से पहले मैं तुम्हें यहाँ का कुछ भूगोल समझा देता हूँ। यह है जंगल का नक्शा, यह है उत्तर पूर्व का इलाका, यहाँ जानवर कम आते हैं, और यह है उत्तर पश्चिम का इलाका, यहाँ नदी होने की वजह से अक्सर जानवर पानी पीने यहाँ आते हैं, और यह है दक्षिण का इलाका, ये रेड अलर्ट है, बहुत खतरनाक है, यहाँ पर जाना अपने आप को मौत के मुंह में डालने के बराबर है। और यहाँ पर है एक गुफा, इस गुफा में एक हनुमान जी का मंदिर है और कुछ आदिवासी यहीं बसते हैं। इन्हीं आदिवासियों के बीच में रहता है जिम्बो। हाँ। आप चाहेंगी तो हमारे आदमी लोग आपके साथ चले जाएंगे, वरना सलीम साहब तो आपके साथ है ही। हाँ, मैं हूं, मुझे मैं हूं। किसी की जरूरत नहीं है। वो भी समझा करो ये जंगल का मामला है। मुझे मालूम है सलीम कि ये जंगल है तो जंगल का ही मामला होगा। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि खेल कहां से शुरू होगा और कहां खत्म। अब मजा आ रहा ना बदल? हाँ बहुत गर्मी सवार थे तुझे। हाँ अच्छा लग रहा है ना? पहले रगड़ देता हूँ तुझे फिर नहला देता हूँ। अच्छा लग रहा है? हाँ अभी नहलाता हूँ।
क्या सरदार, कहाँ जा रहे हो तुम सब लोग? पता नहीं बाबूजी, जहाँ ये किस्मत ले जाएगी वहीं जाना पड़ेगा। यहाँ तो धंधा कम, मुसीबतें ज्यादा हैं। अरे ये सलीम सिक्के के होते हुए कोई मुसीबत नहीं आएगी। तुम सब लोग कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। बस उस जिम्बो को संभालने के लिए जो बॉबी आ रही है। बॉबी? हाँ बॉबी, अपने बड़े सेठ की बेटी है। कहने के लिए तो बेटी है लेकिन कलेजा मर्दों वाला है। सिक्के की कसम, देखना कैसी खटिया खड़ी करती है जिम्बो की। जिम्बो, वो कन्या कौन थी? जिम्बो तुम हनुमान के भक्त हो, इस बात को हमेशा याद रखना। लेकिन गुरुदेव, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। मैंने उसे नदी में नहाते हुए देखा, और तुम कहते हो तुमने देखा ही नहीं। सच बताओ, कौन है वो? मेरा नाम बॉबी है। तुम जिम्बो हो ना? हाँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। जिस तरह सूरज की रोशनी सारी धरती को मिलती है, उसी तरह तुम्हारी सुरक्षा सारे जंगल को मिल रही है। लोग तो तुम्हारे गुण गाते हैं, और कोई कोई तो ये भी कहते हैं कि जिम्बो जंगल का बेटा है, जंगल का बेटा। लेकिन तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं तो बस यूं ही जंगल घूमने आई थी। यहाँ आकर पता चला तो मैं आ गई तुमसे मिलने। अगर आपको तकलीफ हुई हो तो मैं माफी चाहती हूँ। जी नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है? तो आप जंगल घुमा रहे हैं ना मुझे? यहाँ पर बहुत खतरनाक जानवर हैं। मुझे जंगली जानवर देखने हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे गेस्ट हाउस तक छोड़ देंगे तो। अभी तो आपने जंगल देखा ही नहीं है। इस जंगल को देखने के लिए पूरा महीना लग जाता है। लो, आ गई तुम्हारी मंजिल। ये मेरी मंजिल नहीं जिम्बो, ये तो सराय है। हाँ, यहाँ रहकर मंजिल तक पहुँचने का रास्ता जरूर मिल ही जाएगा। क्या मतलब? अरे छोड़ो, भी मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा ये बताओ, कल कितने बजे मिलोगे? तुम बताओ। 10 बजे। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा तुम्हें लेने। ओके। देखा भंडारी, यह है जिम्बो। मैंने पहले कहा था ना, काबरा की बेटी नागिन है, नागिन। कैसी चाल चली उसने? सच कहते हो सलीम सेठ, जिम्बो वाकई में बहुत बलवान है। अरे कोई फोई होता तो तेरे को बोलने क्यों आता? साले की खुद मुंडी नहीं मरोड़ देता। ओ बॉबी, बॉबी तुमने तो कमाल की बाजी मारी। अच्छा ये बताओ, ये बुलडोजर को फिट कैसे किया? बॉबी, इतनी जल्दी तो रिंग मास्टर भी शेर पे कब्जा नहीं करता। तुमने इस बब्बर शेर पे कब्जा कैसे कर लिया? अच्छा तुम बैठो बैठो बैठो। नहीं, पहले मैं अपने डैडी को फोन कर लेती हूँ, वरना वो परेशान हो जाएंगे। हेलो। हेलो। हाँ बेटी, क्या हाल है? आई एम फाइन डैडी, बहुत मजा आ रहा है। फैंटास्टिक लोकेशन, अगर आप साथ होते तो और मजा आ जाता। पहले मुझे ये बताओ, उस कमीने जिम्बो के साथ तुम्हारी मुलाकात हुई? मुलाकात भी हो गई और दोस्ती भी डैडी। अब तो सिर्फ दोस्ती का फायदा उठाना बाकी है। अगर दोस्ती से काम नहीं बना तो आप तो जानते हैं डैडी, बॉबी को दुश्मनी करने में वक्त नहीं लगता। ओके बॉबी, बाय, टेक केयर। ओके डैडी, बाय, गुड नाइट। पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। अरे पगली, मोहब्बत में किस्मत के भरोसे नहीं, हिम्मत से काम लिया जाता है। तू घबराती क्यों है? मैं हूँ ना तेरे साथ। प्यार करने वालों के साथ दुनिया ने यही सलूक किया है, जैसे हीर रांझा और लैला मजनू के साथ। तू घबराती क्यों है? ए जिम्बो, कहाँ खोए हो? चलो चल। यहाँ रुको जिम्बो, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। क्या अच्छा लग रहा है? सच बताऊं, तुम्हारा साथ,
सच सिंबो, तुम्हारे साथ बिताए हुए हर एक पल को मैं अपने यादों के पन्नों में सजाना चाहती हूँ। इतना हसीन, इतना खूबसूरत है ये लम्हा। आओ।
क्या हुआ गुरुदेव? जिम्बो तुम अपनी राह से भटक रहे हो। मैं समझा नहीं गुरुदेव। जिम्बो ये जो लड़की बॉबी है, ये उन लोगों के साथ है जो जंगल और जंगली जानवरों को तबाह करना चाहते हैं। हो सकता है गुरुदेव। इसीलिए कहता हूं जिम्बो, बॉबी पर भरोसा करना उचित नहीं। सच्चाई जो भी हो गुरुदेव, बहुत जल्द सामने आ जाएगी। वो कौन है, यहां क्यों आई है और क्या चाहती है? वो तो मैं निशाना चूक गया। वरना निशाना चूक गया? तुम्हें मालूम है उस निशाने तक पहुंचने के लिए मैंने कितना नाटक किया था? सारा प्लान चौपट कर दिया तुमने। वो तो अच्छा था कि मैं सामने थी, वरना वो तुम्हें पकड़कर वहीं ढेर कर देता। यू वुड हैव बीन किल्ड। जीत मेरी होगी। तू यहाँ पर क्या कर रही है? मेरी बात मान ले विश्वा, कस्तूरी तुझसे प्यार नहीं करती है, वो तो जिम्बो से प्यार करती है और ना तेरे से शादी करने वाली है। अरे कैसे नहीं करेगी, उसे करना पड़ेगा। और हाँ, तू बीच में टांग ना अड़ाना, समझ गई ना? अरे कैसी बातें करता है विश्वा, अपनों के बीच में कोई टांग अड़ाता है? और हाँ, ये तू बार बार अपना अपना क्या लगा रखी है? मैं कोई तेरा खसम वसम नहीं हूँ, समझ गई ना? चल जाए यहाँ से। तेरे ना कहने से क्या होता है विश्वा, सारा कबीला जानता है मैं तुझसे प्यार करती हूँ। और ये देख, मैंने तेरे नाम की बिंदिया भी लगा रखी है। पागलपन मत कर छोकरी, निकल जाया से। बढ़िया ही बिंदिया वाली। ए, तू यहाँ क्या करने आया है? मैं तुझसे प्यार करने आया हूँ। अरे बावरिया, सबके सामने तो तू नाटक करता है, अब यहाँ प्यार का नाटक करने आया है? तू तो सचमुच बावरिया की बावरी है। प्यार सबके सामने थोड़े किया जाता है, प्यार तो अकेले भी किया जाता है। अच्छा, कैसे? अरे गरीबा, आंखें बंद कर। अरे जब मैं आंखें बंद करूंगी तब देखूंगी कैसे कि प्यार कैसे किया जाता है। पगली, प्यार देखने की नहीं, महसूस करने की चीज है। हेलो, क्या हुआ खबर आप उनका काम का? तुम तो बोलता था कि हिंदुस्तान का सारा जंगल अपन का है, मगर तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है। तुमने पहला ऑर्डर भी कंप्लीट नहीं किया। विकास्टा साहब, जंगल में थोड़ा प्रॉब्लम है। इट्स नॉट माय प्रॉब्लम, इट्स योर प्रॉब्लम खाबरा। हमने तुमको पैसा दिया है, तुमने हमको माल नहीं दिया। अगर एक दिन के अंदर माल नहीं मिला तो हम हमारा एडवांस वापस लेगा और तुम्हारा धंधा बंद कर डालेगा, समझा? जानते हो मेरा नाम विकास्टा है। साला धमकी दे रहा है, इधर आएगा ना मरेगा साला। तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से। अरे गुस्सा क्यों होते हो कसूरी? मैं थोड़ी ना कोई पराया हूँ, तेरा मर्द हूँ। हाँ मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। शर्म नहीं आती एक लड़की की इज्जत से खेलते हुए? अरे शर्म तो तुझे आनी चाहिए, बड़ा हनुमान का भक्त बनते फिरता है।
दूसरों की बीवी को अपने मोहब्बत के चंगुल में फंसाता है। देख जिम्बो, मेरे बीच में मत आ। तुझे तो पता है ये मेरी मंगेतर है। कल इसके साथ मेरी शादी होने वाली है। होने वाली है? हुई नहीं ना। तुम्हें पता है हिंदुस्तानी लड़कियां शादी से पहले ये सब पसंद नहीं करती। देख, ये हमारे कबीले का रिवाज है। तू बीच में मत पड़, समझ गया ना? लगता है उस दिन की मार भूल गया पहलवान। सलीम सिक्का नाम है मेरा। एक मिनट ठहरो, एक मिनट ठहरो। तुमने तो तालिम सिक्का का सिक्का उछाल दिया। एक काम करो, एक काम करो, ये सिक्का ना तुम उछालते रहना। जिम्बो, ये चुड़ैल बॉबी कौन है? क्यों, क्या पाठ पढ़ा दिया है तुम्हें उसने कि तुमने जंगल में सबको शिकार करने का अधिकार दे दिया है? मैंने क्या बकती हो? मैं सच कह रही हूँ जिम्बो। देखो, यहाँ कोई नहीं है, सबके सब जंगल गए हुए हैं। और सलीम ने तो यहाँ तक कहा है कि जिम्बो ने कहा है कि हम सब मिलकर जंगल में शिकार कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी नदी है। कौन है? छोड़ो मुझे। ए, निकल जा यहाँ से वरना तुझे गोली मार दूंगा। ये सब क्या है? मुझसे पूछ रही हो? खुद से पूछो, पूछो अपने आप से। क्या क्या किया है मैंने? तुमने जो किया है उसकी सजा सिर्फ मौत है। बॉबी, हम जंगल में रहते जरूर हैं, लेकिन इतने जाहिल नहीं कि तुम चाले चलो हमें पता भी न चले। मुझे सब बातों की खबर है। जिम्बो, तुम्हें गलतफहमी हुई है। ये बताओ कि मैंने इस जंगल में शिकार करने की इजाजत कब दी थी? तुमने कबीले वालों को मेरा नाम लेकर जंगल में भेज दिया। जिम्बो, ये सब झूठ है। क्या ये भी झूठ है कि तुम मुझे मारना चाहती हो? क्या ये भी झूठ है कि जो उस दिन गोली चली वो भी एक हादसा था? बॉबी, तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई। तुम भी उन लोगों के साथ हो जो इस जंगल और जंगली जानवरों को तबाह करना चाहते हैं। तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला अब ऊपर वाला करेगा। मैं चलता हूं। सब सच बता देती हूँ, सिम्बो, मैं सब सच बताती हूँ तुम्हें।
सिंबो, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मैं यहाँ तुम्हें जान से मारने आई थी, लेकिन यहाँ आकर देखा तो मेरी नीयत बदल गई सिंबो। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ सिंबो। आई लव यू सिंबो। क्यों मारना चाहती थी तुम? इसलिए कि मेरा बाप सांपों के जहर और जंगली जानवरों की खालों का तस्कर है और तुम उनके रास्ते का कांटा बन रहे थे। लेकिन मैंने सोच लिया है जिम्बो, ये जिस्म, ये सांसें, ये जवानी सब तुम्हारी हैं। तुम जो चाहोगे वही होगा। आज के बाद ना यहां से सांप पकड़े जाएंगे और ना ही जंगली जानवर। विश्वास नहीं होता बॉबी। विश्वास नहीं होता तो छोड़ दो मेरा साथ, जाने दो मुझे, मैं अपने आप को शेर के हवाले कर देती हूँ। रुक जाओ बॉबी। सिंबो, तुमने तो मेरी जिंदगी बदल दी। पहली बार जाना कि प्यार क्या होता है, प्यार में कितनी तड़प होती है, प्यार दीवाना कर देता है, और मैं भी तुम्हारी दीवानी हो गई हूँ सिंबो। मुझे अपने आगोश में भर लो चुकी, मुझे अपने आगोश में भर लो। सिंबो, नारी तो जगत जननी है, नारी के बिना सृष्टि की रचना संभव है। हाँ गुरुदेव, हेलो काबरा, क्या हुआ हमारा माल खा? देखो सर साहब, आपका माल बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। नाउ जल्द, अगर हमारा माल वापस नहीं मिला तो इधर हम अपना कंट्री में बटन दबाएगा, उधर तुम्हारा नीचे मिसाइल छूटेगा। विकेश साहब, आप पैसा मत करना। कल हम इंडिया आता है, अगर कोबरा का पॉइजन हमें नहीं मिला तो हम तुम्हारा पॉइजन निकालेगा। जानते हो हमारा नाम डिकॉस्टा है, डिकॉस्टा। साला मेरा जहर निकालेगा, मैं दुनिया का जहर निकालने वाला, तू मेरा जहर निकालेगा? साला फूंक देगा ना वो भी मर जाएगा। हेलो सलीम, मुझे किसी भी कीमत पर कल कोबरा चाहिए। कल डिकॉस्टा यहाँ आ रहा है, उसके साथ मैं भी जंगल आ रहा हूँ। काबरा साहब, यहाँ आने से क्या फायदा होगा? क्यों? काबरा साहब, आपकी बेटी जिम्बो से इश्क करने लगी है। क्या बकते हो, बॉबी उस जंगली जिम्बो के चक्कर में पड़ गई। सलीम, तुम मुझे जानते हो, मेरी बेटी को नहीं, मेरी औलाद को नहीं, ये जरूर कोई बॉबी की चाल हो। काबरा साहब, वो बोलती है जो जिम्बो बोलेगा वही होगा, जो जिम्बो चाहेगा वही उसे मिलेगा। अब क्या करें बताइए। ठीक है, मैं आता हूँ, देखता हूँ कमीने जिम्बो। मुबारक हो विश्वा, कस्तूरी की खुशबू अब जिंदगी भर लेता रहेगा तू। सरकार, सारा सामान रखवा दिया उधर। ठीक है। ए तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है, जा कस्तूरी को तैयार कर। विश्वा, कहीं पासाई ना पलट जाए। वही तो मैं कह रहा था कि कहीं जिम्बो आ गया तो लाश जाएगी यहाँ से उसकी। उस दिन इन्हीं हाथों से बच गया था वो कमीना, लेकिन आज उस कमीने का खून पी जाऊंगा मैं। ए तू क्यों परेशान हो रहा है इसकी बातों में माता, तेरे लिए तो खुशी का दिन है। ए बावरिया, तू यहां से चल। अब क्या होगा, मेरा बस चलता तो किसी भी तरह से भगा देती मैं कस्तूरी को बेचारी। क्या बात है, यहाँ गम क्यों छाया हुआ है भाई? अरे तू यहाँ क्या करने आया है, चल जाए यहाँ से। ओ मैं पहरेदारी करने आया है। तुझे बड़ा दर्द हो रहा है,
मुझसे पूछ मोहब्बत क्या होती है, पूछना है तो पूछ कस्तूरी से। सच कस्तूरी, आज मुझे पता चला मोहब्बत क्या होती है। ये तू मत समझना विश्वा को मैं चाहती हूँ इसलिए ऐसा कह रही हूँ। विश्वा मुझे मिले या ना मिले, जिम्बो तुझे जरूर मिलेगा। तू सच कह रही है ना? मुझे मेरा जिम्बो मिलेगा? क्या मैं उसे मिल पाऊंगी? ओहो वाह वाह मोहब्बत। अभी सरदार से कहकर पहरा लगवाता हूँ। वही तो मैं कह रहा था कि कहीं तू भाग ना जाए। तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? तू क्या जाने कि प्यार मोहब्बत क्या होता है? बावरिया तू, तू नहीं बावरी तो मैं हूँ कि तू जैसे पत्थर दिल को अपना दिल दे बैठी। कान खोलकर सुन ले, अगर तेरे दिल में मेरे लिए जरा भी मोहब्बत है तो तू अपनी जबान कभी नहीं खोलेगा। लेकिन कबीले का कायदा? अरे भाड़ में जाए कबीले और कबीले का कायदा, मैं सब नहीं मानती। दुनिया के हर लोग अपने घर की बेटियों को पराए घर में देते हैं, लेकिन यहाँ की तो परंपरा ही अलग है। मैं ये सब नहीं मानती। देख तुझे मेरी कसम है, तू किसी भी तरह से कस्तूरी को यहाँ से निकाल ले जा। छप्पन तू एक काम कर, ये दुल्हन के कपड़े तू पहन ले। ए, तुम्हें काम पे भेजा था, यहाँ क्या कर रहा है? सरदार एक मर्द का रहना भी तो जरूरी है ना, कहीं कस्तूरी भाग गई तो। बात तो तेरी ठीक है, ठीक है तू यहीं रहो। हाँ। उसे तैयार करके ले आओ। सब कुछ ठीक है ना? चल जा कस्तूरी जा, तुझे तेरी नई जिंदगी मुबारक हो। राज बावरिया, आज तूने मेरे पर बहुत बड़ा एहसान किया है मेरे भाई, मैं तुम्हारे ये एहसान का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगी। तू जा, जा कहीं देर ना हो जाए, जा। तू अपना ख्याल रखना। जा। बावरिया कहाँ है कसूरी, वरना तेरी जान ले लूंगा मैं। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता सरदार, मैं कुछ नहीं जानता। इसे कहो मुझ पर हाथ ना उठाए, वरना। वरना क्या कर लेगा, क्या कर लेगा तू? एक तो कस्तूरी को भगा दिया, ऊपर से रोब दिखाता है। सारी रात हम उसे ढूंढते रहे, ढूंढते ढूंढते ये पगड़ी मेरे गले में आ गई। बॉबी तुम्हें कोई जादू तो जरूर है। हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? अगर तुम में जादू नहीं होता तो मेरे जैसा ब्रह्मचारी आदमी लड़कियों से दूर रहने वाला तुम्हारे चक्कर में ना आता। ओह, तो तुम्हारा मतलब है मैंने कोई चक्कर चलाया है। जाओ मैं बात नहीं करती तुमसे। अरे अरे अरे, अरे तुम तो नाराज हो गए। तुम यहीं ठहरो, मैं जरा बादल को पानी पिलाकर आता हूं। चल। अच्छा तो तू है बॉबी चुड़ैल? यू स्टूपिड गर्ल, हु आर यू? अपनी जुबान को लगाम दे लड़की। जुबान को लगाम नहीं दी जाती, लगाम घोड़े को दी जाती चुड़ैल। तू क्या समझती है तू उसे अपने चक्कर में फंसा कर अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? अरे मैं तेरा एक एक राज जानती हूँ। खत्म करना चाहती है तू जिम्बो को, पार डालना चाहती है जिम्बो को। मैं कहती हूँ चुप हो जा, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिम्बो, ये लड़की तुझे खत्म करना चाहती है। जिम्बो, जिम्बो, ये लड़की झूठ बोलती है। मैं झूठ बोलती हूँ, मैं झूठ बोलती हूँ। तो फिर जाओ और जाकर कबीले में पूछो, तेरा यार सलीम अभी अभी क्या के गया है।
कि बॉबी बहुत जल्द सिम्बो को ठिकाने लगाएगी। मैं कहती हूँ चुप हो जाए वरना अच्छा नहीं होगा। वरना क्या क्या कर लेगी तू? बोल क्या करेगी तू? ए, छोड़। सिम्बो बचा लो मुझे, ये लोग मुझे मार डालेंगे। देख कस्तूरी, इसने कबीले का कानून तोड़ा है, मार मार के हमने इसकी क्या हालत कर दी, सोच ले जरा। चल चल सिम्बो। देख सिम्बो, इस छोरी के साथ कल मेरी शादी थी लेकिन तूने गड़बड़ कर दी। अगर आज तूने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गया ना? चल सिम्बो, सिम्बो, सिम्बो। कितने दिन हुए जंगल में, कोबरा किधर है? कोबरा काबरा ने आपको जबान दिया तो जरूर आपको कोबरा मिलेगा। देखो पूरा जंगल डिपार्टमेंट आपके स्वागत के लिए बैठा है। डोंट वरी मिस्टर डिकोस्टा, कोबरा आपको मिल जाएगा। काबरा साहब, ये हैं कबीले के लोग। चले मुझे लोग नहीं कोबरा चाहिए, कोबरा। काबरा साहब बेफिक्र रहिए, कोबरा आपको विश्वा ला कर देगा। लेकिन कह रहा था कि उसका सबसे बड़ा काटा सिम्बो है। हाँ, उस कमीने सिम्बो ने हमारे कबीले के सब रीति रिवाज को बर्बाद करके रख दिया है। सबसे बड़ी गलती तो उसने बॉबी को फंसा के की है। विश्वा, तुम नाम के विश्वा हो या कुछ काम के? नाम के हिसाब से तो तुम्हारे अंदर इतना जहर होना चाहिए जितना इन जंगल के सांपों में नहीं। जहर तो बहुत उगल दूंगा। विश्वा, हमें पता चला है कि तुम कस्तूरी से मोहब्बत करते हो। हाँ। हम उससे तुम्हारी शादी कराएं। लेकिन इससे पहले तुम हमें कोबरा लाके दो। लेकिन काबरा सेठ, वो सिम्बो? तुम सिम्बो की फिक्र मत करो, सिम्बो को मैं खत्म कर दूंगा। ये कली कौन है? काबरा साहब, ये कबीले की लड़की है, अच्छा नाचती है। देखा डिकस्टा, सलीम कितना काम का आदमी है, तुम्हारे कोबरा के साथ साथ तुम्हारा एंटरटेन का भी इंतजाम किया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आज ये नाचेगी और मैं गाऊंगा। यू काबरा, आप गाइए, इसे नचाइए, मैं तो चलता हूँ सिम्बो का सिक्का उछालने। गाने
फिर सलीम सेठ मैं कोबरा लाऊंगा और तुम मुझे कसूरी। हाँ जबान दी तुमको, चलो। हाँ दादी। बॉबी जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वरना ये विश्वा यहाँ क्या करने आता। एक काम करो तुम चलो, मैं इनको देखती हूँ। क्या बात है खाबरा, तुम गाता भी बहुत अच्छा है। अरे डैडी आप कब आए? बेटी तुम अपने मकसद से भाग गई हो। जब तुम अपने दुश्मन के साथ दोस्ती करने लगी तो मैं क्या करता? मैं और डिकस्टा खुद अपना माल लेने यहाँ आए। डैडी आप जंगल से कुछ भी नहीं ले जा सकते। क्या भक्ति हो? बक नहीं रही डैडी, सच कह रही हूँ। जिम्बो जंगल का रक्षक है डैडी, वो जंगल का बेटा है और मैंने उससे वादा किया है जब तक मेरी सांसें रहेंगी मैं जंगल और जंगली जानवरों की रक्षा करूंगी। अच्छा, चार दिन उसके साथ रह ली तो उसकी जंगली बोली बोलने लगी? मैं उसकी बोली नहीं बोल रही डैडी, मैं सच्चाई की बोली बोल रही हूँ। आपकी नजर में वो जंगली होगा लेकिन मेरी नजर में वो देवता है। हम लोग इंसान होकर उसकी बात नहीं समझ सकते डैडी, लेकिन जंगल के जंगली जानवर उसकी बात समझते हैं। अब ना जानवर बात समझ सकेंगे ना इंसान, अब तो उसकी जान चली जाएगी। जिम्बो को मारना इतना आसान नहीं है डैडी, मैं बचाऊंगी उसे। देखो बॉबी, पानी सर से ऊपर चला जाए ना तो ये काबरा कोबरा बन जाता है। डैडी आप भी जानते हैं कि मैं आप ही की बेटी हूँ, अगर मेरे रास्ते में कोई आया तो मैं नागिन बन जाती हूँ। इधर ही रहना, बंद करो इसे। चल सलीम अपना गुफा पे पहुंच गया होगा, चलो। ओके। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। हे पंडित, जिम्बो कहाँ है? तुम कौन हो? हाथ में तमंचा देखने के बाद समझ जाना चाहिए कि हम कौन है। जिम्बो कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। हे पंडित बता जिम्बो कहाँ है, वरना ये गोली तेरे भेजे में उतार दूंगा। बता। मैंने कह दिया ना मुझे नहीं मालूम। संकट मोचन नाम है, संकट हरनो आए, आप कुटुंब परिवार की निस्दिन करो सहाय, पितृ संग बजरंग की विनती करो हर बार, डूबे नर्मज धार में बने आप पतवार। हे पंडित, आज तू ऐसी मझधार में फंसा है कि तेरा कोई पतवार नहीं बनेगा, समझा ना? जय जंगली। काबरा साहब मैं आपको मान गया। तो इसकी तो उठ उठ है। सलीम सिक्का नाम है मेरा, मैं हाथ काटता नहीं हूं, सीधा भेजा उड़ाता हूं, भेजा। काबरा साहब कबीले वाले आ गए। देख लिया काबरा सेठ, इस बंजारे ने अपना वादा पूरा किया और हमने भी अपना वादा पूरा कर दिया। ये देखो जिम्बो, जो शेर था अब गिदड़ की तरह बैठा है। वेरी गुड विश्वा, वेरी गुड। अब तुम्हारा मैरिज काबरा करवाएगा। लेकिन काबरा सेठ कस्तूरी का है?
तेरी कस्तूरी तो गाड़ी में, जा जा। चलो ये कोबरा गाड़ी में रखो। ओ, हमारा नोट ये लो। बस इतना ही? आपने तो कहा था नोटों से लात दूंगा। अरे बड़े लोग बोलते हैं, देते कुछ नहीं। जाओ रखो गाड़ी में। अरे कमाल है ये। कमाल बिमाल कुछ नहीं, चलो रखो गाड़ी में, चलो 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 भाई। बाबरिया तू तू कैसे आ गया यहाँ? कस्तूरी मेरी फिक्र छोड़, तू अपनी फिक्र कर। तू भाग यहाँ से, भाग 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 भाग। बाबरिया तू यहाँ पर क्या कर रहा है? विश्वा तू डाल डाल मैं बात बात। हम सदे हमारे कबीले के कायदे को तोड़ता है। मैं कहता हूँ मेरे रास्ते से हट जा। भाग कस्तूरी, हट जा, हट हट जा, हट जा। कुछ भी हो जाए विश्वा, लेकिन मैं तुझे कस्तूरी को ले जाने नहीं दूंगा। कस्तूरी भाग, भाग भाग कस्तूरी, विश्वा चाहे कुछ भी हो जाए, भाग कस्तूरी भाग। कस्तूरी भाग गई विश्वा। हरामजादे वही तो मैं कह दिया था। काबरा साहब ये है जिम्बो। आप यकीन नहीं मानते थे ना, अब इस छह फीट का क्रियाक्रम अपने शुभ हाथों से कीजिए। डिकोस्टा अपना कोबरा संभालो। यू आर ग्रेट मिस्टर काबरा। कोबरा माय ड्रीम कोबरा। बेटी तुमने ये क्या किया? दोबारा जन्म लेने की जरूरत पड़ी तो मैं लूंगा, लेकिन ऊपर वाले ने कहा नहीं राम, इस पापी को मारने के लिए दूसरा जन्म लेने की जरूरत नहीं। उस राम ने जब रावण को मारा था तो उसे हनुमान जी ने मदद की थी। तेरा बजरंग बली तो मर चुका है, अब तुझे कौन बचाएगा? ये तेरी भूल है काबरा, हनुमान कभी नहीं मरता। आज उसकी शक्ति सिंबो में है। संकट गोचन नाम है, संकट हर रो आए, आप कुटुंब परिवार की निस्दिन करो सहाय। पितृ संग बजरंग की विनती करूं हर बार, डूबे नर्म झार में बने आप पतवार। जय बजरंग बली।
कमीने। मेरे दिल